बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की होने वाली बैठक पर पूरे देश की नज़र है और लोग इस बैठक से लेकर ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि 2024 में बीजेपी के मुकाबले कोई राजनीतिक फार्मूला बिहार की राजधानी पटना से निकलेगी। उन बैठक में से महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ। सर, जब नीतीश कुमार आपसे मिलने गए और इस तरीके को ये पहली बैठक नहीं है, 2019-14 बहुत सारी बैठकें हुई, लेकिन आपके राजनीतिक अनुभव से क्या लगता है कि इस बैठक से कोई ऐसा फार्मूला निकलेगा कि 2024 तक ये आगे जाए? नहीं, अभी तो फार्मूले की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ये पुराने बैठकों से बिल्कुल एक अलग बैठक है। मेरे ख्याल से 2019 के बाद जो देश में माहौल बना, पूरे हिंदुस्तान को अब महसूस होने लगा कि अब अगर इसी तरह से चला तो इस देश में लोकतंत्र का कुछ बचेगा नहीं। जिस तरह से 28 मई को संसद के उद्घाटन के नाम पर एक राजदंड को स्थापित कर दिया गया, तो पूरा लगने लगा है देश में कि अब लोकतंत्र खत्म। इस देश में संविधान, लोकतंत्र, चुनाव, संघीय ढांचा, इसका कोई माने मतलब नहीं है। संविधान पीठ ने एक फैसला दिया और तुरंत अध्यादेश आ गया दिल्ली के मामले में। तो हमें लगता है कि इस समय पूरे देश में तमाम विपक्षी दलों को ये महसूस भी हो रहा है कि ठीक है, अलग अलग कई क्षेत्रीय दल हैं, आपस में भी कुछ बातें हैं, वो बात अपनी अलग जगह पर, लेकिन ये एक ऐसा दौर है देश के लिए, ऐसे मोड़ पर हम लोग खड़े हैं कि इस समय अगर हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए एकजुट नहीं होंगे